जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तारीख है 11 जुलाई। भूगोल के विद्यार्थी को जरूर अच्छे से पता होगा अभी आज क्या खास दिन है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, 11 जुलाई है आज। जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है वो मनाया जाता है। इतिहास में अगर हम बात करें, 1830 के आसपास की बात करें, कई बार 1804 भी लिखा होता है, 1830 के आसपास दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो 100 करोड़ थी, अर्थात 1 अरब हो गई। बढ़ते बढ़ते 2011 के अंदर ये 700 करोड़ यानी 7 अरब पॉपुलेशन होगी। फिर विशेषज्ञों ने ये कहा भी 2025 तक, गौर कीजिएगा, 2025 तक पॉपुलेशन 800 करोड़ यानी 8 अरब हो जाएगी। लेकिन आज के दिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2022 के लास्ट में या 2023 के स्टार्टिंग के अंदर पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो 800 करोड़ यानी 8 अरब हो जाएगी। ये रिपोर्ट है यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसने ये बात कही है। आपको अब ये भी पता है अच्छे से कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश की है, तो वो है भारत का पड़ोसी चाइना, और दूसरे स्थान पर है हम यानी भारत। आज के दिन अगर हम बात करें वर्तमान के अंदर, हम आज की बात क्यों करें, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक और डायनेमिक सब्जेक्ट है। करंट में क्या चलता है, समसामयिकी में क्या चलता है, उस दृष्टि से भी हमें भूगोल को समझना होता है। आज दिन तक की बात करूं तो विश्व की जनसंख्या है 795 करोड़ 95 लाख, और भारत की जनसंख्या विश्व रिपोर्ट के अनुसार 139 करोड़ 95 लाख है। तो देखिएगा किस दर से पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। अक्सर हम एक चीज हम पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं कि जनसंख्या वृद्धि है वो किसी देश के लिए बहुत नुकसानदायक है और हमें जनसंख्या पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लेकिन एक सोचने की बात है, हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी है, लेकिन क्या वो इतना गरीब है? या कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं? सोचिएगा जरूर। आज का अगर मैंने दैनिक भास्कर पढ़ा, उसके अंदर एक रिपोर्ट है, नाम भूल गया किसके नाम से है, उन्होंने कहा है कि भारत के जो दक्षिणी राज्य है उन्हें अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के ऊपर बात है, यानी वो विचार है वो करना चाहिए। तो एक भूगोल के विद्यार्थी को जरूर सोचना चाहिए, क्या पॉपुलेशन बढ़ना सिर्फ नुकसानदायक है, या कहीं ये समस्या आ रही है भी हमारा मैनेजमेंट वीक हो रहा है? क्या बढ़ती जो जनसंख्या है, बढ़ती जो मेन पावर है, क्या हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं? तो चाइना हमसे आगे क्यों जा रहा है, कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। तो ये तो भूगोल के, कहते हैं ना, करंट से जुड़ा हुआ इशू है। तो ऐसे मुद्दों के ऊपर एक भूगोल के विद्यार्थी को जब कभी, क्योंकि आप स्कूल लाइफ से जुड़े हो, आपको पत्रिका भास्कर कोई भी जो लोकल अखबार आप पढ़ते होंगे उनमें कोई चीज़ आती है तो उसके ऊपर आपको जरूर है वो सोचना चाहिए। तो संयोग है भी आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, और आज ही हम आपकी भूगोल की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाले चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत में ही आप एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले टॉप 10 कंट्रीज कौन से हैं। उन 10 देशों के नाम आपको पता होना चाहिए, उनके याद रखने की ट्रिक भी है हमारे पास, और प्लस आपको उसे विश्व मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित भी करना है, यानी अभ्यास करना है भी। सबसे ज्यादा चाइना है तो विश्व के अंदर चाइना कहां पर है मैप के अंदर, इंडिया कहां पर है, अमेरिका कहां पर है, ये सारी चीजें आपको लोकेशन है वो भरनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भूगोल मानचित्र के बगैर तो अधूरा है, ये तो आप भी जानते हो। और अगर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बात करूं तो भाई 4 नंबर का बोर्ड के अंदर मानचित्र का क्वेश्चन आना है तो हम हर तथ्य को अच्छे से जानेंगे ना, और वैसे भी हम तो भूगोल के विद्यार्थी हैं।
अब आप ये जानेंगे भी सर इस चैप्टर के वीडियो यानी टॉपिक वाइज वीडियो क्या रेगुलर चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं आपको बताऊं इस चैप्टर के पूर्व में भी शानदार वीडियो है वो बने हुए हैं, हजारों बच्चों ने वहां से लाभ प्राप्त किया है। तो इस चैप्टर के टोटल 6 वीडियो है, यानी पूरे चैप्टर को 6 भागों में डिवाइड किया है। भाग ज़्यादा इसलिए ताकि एक बच्चा ज़्यादा टाइम तक मोबाइल के ऊपर टाइम स्पेंड वो नहीं करे, इस उद्देश्य से। इसलिए मैं हमेशा ही आधे घंटे से कम कम के ही यानी 20-25 मिनट टाइप के ही वीडियो ज़्यादातर बनाता हूँ। तो इस चैप्टर के टोटल 6 वीडियो हैं, उन 6 वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। अब अगर किसी बच्चे को डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है वीडियो के बिल्कुल एंड के अंदर। अगर आप फुल स्क्रीन पर हो तो हाफ स्क्रीन कर लो एक बार, यानी मोबाइल को थोड़ा घुमा लीजिए, नीचे टाइटल लिखा हुआ है यानी इस वीडियो के अंदर क्या है, वहाँ साइड में एक छोटा सा एरो का निशान है, आप उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको वहाँ नीचे इस चैप्टर के 6 वीडियो का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। इस वीक के अंदर आपको इस सेकंड चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, और आप अगर वहाँ से पढ़ते जा रहे हो, तैयार करते जा रहे हो, तो आप अपना नाम स्कूल का नाम लिखते हुए, अगर अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो स्कूल का नाम लिखते हुए वहाँ पर कमेंट भी कीजिएगा भी हाँ सर हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, यानी इस पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। और इसी वीक के लास्ट से या नेक्स्ट वीक से हम टेस्ट सीरीज़ है वो प्लस टू के लिए वो भी स्टार्ट कर देंगे। रही बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर, यानी कई बच्चे कहते हैं नोट्स, तो मैंने कॉलेज की तरह या कंपटीशन की तरह नोट्स नहीं तैयार किए हैं, बल्कि स्कूल लेवल के हिसाब से क्वेश्चन आंसर के हिसाब से नोट्स हैं वो तैयार कर रखे हैं, पिछले साल भी किए थे, अब उनको अपडेट कर रहा हूं, उनमें कुछ संशोधन है वो करना है, कुछ की लैंग्वेज चेंज करनी है, कुछ नए क्वेश्चन डालने हैं, क्योंकि पिछले साल का पैटर्न एक अलग तरीके का था, इस बार से क्या पैटर्न हो सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी बातों को सोचते हुए अपने एक्सपीरियंस से इन सब जो शीट्स हैं अपनी प्रश्न उत्तर की हर चैप्टर की उनको रिवाइज कर रहा हूं, और उस पीडीएफ का यानी पूरे चैप्टर का जो पीडीएफ का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और उसके अलावा आप अगर टेलीग्राम चलाते हो और अगर चला सकते हो तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और उसमें सर्च कीजिए सिद्धि विनायक संग्रिया, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, और उस पर भी काफ़ी 14-15 हज़ार के आसपास बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये नोट्स या वीडियो या कोई भी विभागीय जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी वहाँ पर आपको मैं देता रहता हूँ। तो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था भी आपको मैं ये सूचना दूँ भी सेकंड जो चैप्टर है आपका विश्व जनसंख्या का, इसके 6 जो वीडियो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उनके माध्यम से अपनी तैयारी को सतत रूप है वो प्रदान कीजिएगा और अच्छे से, और आपको कमेंट भी करना है इस वीडियो सेशन में भी और प्रत्येक पार्ट में, इतना तो एक टीचर आपसे उम्मीद रख ही सकता है, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और इसी प्रकार से हम जहाँ जहाँ मुझे नए वीडियो बनाने की भी आवश्यकता होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ मैं कंप्लीट ज्योग्राफी का सिलेबस पिछले साल की तरह अब भी करवाऊँगा। जहाँ मुझे लग रहा है भी पिछले सेशन में ही वीडियो बहुत शानदार बन चुके हैं तो उनको फिर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, जहाँ लगेगा वहाँ नए वीडियो भी बना दूंगा। रिवीजन क्लासेस हैं वो भी मैं आपको दूंगा, टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर मिलेगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेंगे, और बोर्ड का पैटर्न आने के बाद में बोर्ड पैटर्न के अनुसार हम टेस्ट सीरीज़ है वो भी यहाँ पर सुचारू रूप से जारी रखेंगे। बहुत से शिक्षक साथी भी मेरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे जोड़ रखा है राजस्थान के, तो उनको भी मैं जो पेपर है वो सेंड किया करूँगा, अगर वो चाहें तो उसका प्रिंट निकाल कर अपने स्कूल के बच्चों का भी वो टेस्ट है वो ले सकते हैं, जैसे पिछली बार भी बहुत से साथी है वो अपने स्कूल में टेस्ट है वो लेते रहे हैं। अब क्योंकि ऑफलाइन है, आप स्कूल में भी अच्छे से आपकी अध्ययन कर रहे हैं वो चल रहा है, आप वहां ज्यादा फोकस कीजिएगा, यहां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर क्या है, एक बार कोई बात कह गई वो निकल गई तो फिर माइंड से निकल जाती है, और ऑनलाइन का ये फायदा है रिकॉर्ड है, आपका जब मन करे उसको रिवाइज कर सकते हो, स्पीड बढ़ाकर रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना सुनने से
ज़्यादा जो मेमोरी पावर है वो आपकी बढ़ती जाएगी, और बार बार रिवीजन करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और एक बात जो बार बार कहता हूँ, पाठ्य पुस्तक का साथ नहीं छोड़ेंगे, पाठ जो दूसरा है आपकी किताब का उसको कम से कम 2-3 बार उससे बात जरूर करेंगे। याद करने से पहले मैं आपको कहूँगा अपनी किताब के हर चैप्टर से आपको क्या करनी है, बात करनी है, और फिर जो अपना सपना है अब की बार 90 पार, उसको हम पर जो प्राप्त है वो कर ही लेंगे। हजारों बच्चों ने अपने सपने सच किए हैं, आप भी अपने सपने सच करेंगे। आप, हम, आपके टीचर सब मिलकर प्रयास करेंगे, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक इन 6 वीडियो की सहायता से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिएगा, और इस वीक के अंदर आप अपना सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। इन्हीं आशा, शुभकामना और विश्वास के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।